Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Last class में हम लोगों ने full adder study कर लिया था. And full adder using NAND gate भी study कर लिया था last class में हम लोगों ने. ओके, फुल एडर यूजिंग नैंड गेट हो गया था, 9 नैंड गेट. ओके, सो फुल एडर स्टडी कर लेने के बाद हम लोग बेसिकली अब क्या करेंगे, एडर्स के एप्लीकेशन देखेंगे, मींस टाइप्स ऑफ एडर हम लोग स्टडी करेंगे. तो बेसिकली यहां पर आपके टू टाइप्स के एडर होते हैं. एक हमारा होता है पैरेलल एडर और एक हमारा होता है लुक अहेड कैरी एडर. ठीक है, तो बेसिकली सबसे फर्स्ट मैं यहां पर बात करने वाला हूं पैरेलल एडर के बारे में. ये जो कैरी वाला इक्वेशन है उसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में. अभी आप कैरी का इक्वेशन एज इट इज यूज करो. ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो यहां पर जो पैरेलल एडर है आपका, पैरेलल एडर का मीनिंग क्या है, फुल एडर के थ्रू हम लोग कितनी बिट्स ऐड कर सकते हैं. कोई आंसर दे सकता है कि फुल एडर इज अ 1 बिट एडर और 2 बिट एडर और 3 बिट एडर. ओके, 3 बिट एडर. नो, फुल एडर जो है आपका 1 बिट एडर है. अगर आप ध्यान से यहां पर समझोगे तो फुल एडर में आप 3 इनपुट्स लेते थे, ए बी सी. ठीक है, एंड सम एंड कैरी. यहां पर जो फुल एडर है ए बी और सी, अगर आप सपोज ले रहे हो 0 0 0, तो आप तीनों की 1 1 बिट ऐड कर रहे हो. ठीक है ना, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है और सी एक नंबर है. तीनों की आप ओनली 1 1 बिट ही ऐड कर रहे हो. दैट्स व्हाई फुल एडर आपका 1 बिट एडर है, 3 बिट एडर नहीं है. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पैरेलल एडर की, तो अगर आपके नंबर्स एक से ज्यादा बिट कंटेन करते हैं तो आपको फिर पैरेलल एडर की रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली अगर मैं यहां पर टू नंबर्स ले रहा हूं ए और बी, और सपोज करो आप बोथ हैविंग 4 डिजिट्स 4 बिट्स, A3 A2 A1 A0 एंड B3 B2 B1 एंड B0. ठीक है, तो अगर दोनों में 4 4 बिट्स है तो बेसिकली आपको पैरेलल एडर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो पैरेलल एडर बेसिकली होता क्या है, यूज क्या है, जब आपको एक से ज्यादा बिट्स को ऐड करना है देन यू रिक्वायर्ड पैरेलल एडर. बेसिकली आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ फुल एडर और हाफ एडर. ठीक है ना, तो यहां पर हम दो नंबर कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, दोनों आपके 4 4 बिट्स के हैं और हमें अब एक पैरेलल एडर डिजाइन करना है. तो यहां पर पैरेलल एडर के लिए हम यहां पर टोटल 4 एडर लेंगे. एंड पैरेलल एडर के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड. सपोज करो आपके पास टू नंबर्स है ए एंड बी. ठीक है, मैं यहां पर डिजिटल में आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आपको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, टू नंबर्स है ए और बी. सपोज करो नंबर है आपका 8 9 6 7 5 4 8 9. अगर आप इस 4 डिजिट्स के नंबर को ऐड करोगे, दिस टू नंबर को अगर आप ऐड परफॉर्म करोगे, तो 7 प्लस 9 कितना होगा आपका, 16. ठीक है, और आपकी 1 क्या चले जाएगी, कैरी. तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि जो आपने एलएसबी डिजिट्स को ऐड किया है, तो यहां पर सिर्फ आपको 2 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट थी, 7 और 9. लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेज से देखना चालू करो तो आपको टोटल अब 3 डिजिट्स हो गई आपकी, 1 6 और 8. सेम
जब आप 1, 6 और 8 को ऐड करोगे, देन अगेन आपको कोई ना कोई कैरी मिलेगी, तो अगेन आपकी 3 डिजिट्स हो जाएगी यहां पर ऐड करने के लिए। तो हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हाफ एडर के थ्रू आप दो बिट्स को, ठीक है ना, मींस ए और बी दोनों की एक एक बिट को आप ऐड कर सकते हो, बेसिकली टोटल दो इनपुट होते हैं, लेकिन फुल एडर के थ्रू आप 3 इनपुट्स को ऐड कर सकते हो और हर किसी की एक एक बिट होती है, ठीक है। तो इससे हमें एक क्लियरिटी मिलती है इस एग्जांपल से कि फॉर एलएसबी बिट के लिए वी कैन टेक हाफ एडर, बट अगर आप आगे की बिट्स को ऐड करने के लिए जाओगे तो आपको फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आप हाफ एडर कंसीडर कर सकते हो फॉर एलएसबी एडिशन, देन बाकी के लिए आपको फुल एडर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कैरी आ सकती है आपकी, और जब भी कैरी आएगी आपके जो इनपुट्स हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। नाउ तो मैंने जो यहां पर इनपुट्स लिए हुए हैं वो कौन कौन से लिए हुए हैं, A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1 and B0, ठीक है। तो ये मेरे दो इनपुट्स हैं, तो ए नॉट और बी नॉट क्या है हमारा, एलएसबी है, एलएसबी बिट्स हैं, तो मैं उन्हें यहां पर अप्लाई कर रहा हूं ए नॉट एंड बी नॉट। देन ए नॉट और बी नॉट से आपको क्या क्या मिल जाएगा, हाफ एडर आपको क्या देता है, एक सम देता है और एक कैरी देता है, ठीक है। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करती हैं। देखिए जो लास्ट एडर है आपका, आप यूज कर सकते हो हाफ एडर, आप समझ गए होगे क्यों, क्योंकि लास्ट में आपका एलएसबी पोजीशन में कोई भी कैरी नहीं होगी, लेकिन आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको थ्योरिकली अभी बताने जा रहा हूं। देखो रियल लाइफ में कभी भी आप 4 बिट को ऐड नहीं करते हो, रियल लाइफ में आप थाउजेंड्स ऑफ बिट्स को ऐड करते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर सपोज करो आप 1000, आपके दो नंबर हैं ए और बी और हर किसी में 1000 बिट्स है, तो आपको क्लियर होगा कि सिर्फ लास्ट वाले एडिशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, हाफ एडर, ठीक है ना। ए और बी दोनों में 1000 बिट्स हैं, तो आप सिर्फ एक हाफ एडर लोगे, बाकी 999 क्या लोगे, फुल एडर लोगे, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक हाफ एडर लेने के कारण आपकी कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। सपोज करो एक फुल एडर अगर 100 रुपीज का आ रहा है, एक हाफ एडर आपका 50 रुपीज का आ रहा है, तो आपका सिर्फ एक 50 रुपीज सेव होगा, क्योंकि आप हाफ एडर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज करने वाले हो, बाकी सारे के सारे आप क्या यूज करोगे, फुल एडर। तो यहां पर जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि एक हाफ एडर यूज करने से कोई कॉस्ट सेविंग होनी नहीं है, तो इससे मच बेटर ये है कि आप सारे के सारे फुल एडर यूज करो, लास्ट स्टेज में भी फुल एडर यूज करो, ऑल दो आप हाफ एडर यूज कर सकते हो, लेकिन आप फुल एडर यूज करो, जिससे कि आपका सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल होगा, यूनिफॉर्म होगा। आपको ये पॉइंट माइंड में नहीं रखना होगा कि लास्ट वाला जो है वो हाफ एडर है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती हैं कि लास्ट में भी फुल एडर ले लिया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप फुल एडर लेते हो तो फुल एडर के लिए टोटल कितने इनपुट्स होते हैं, 3। तो यहां पर आपको पता है ए नॉट और बी नॉट देने के बाद यहां पर कोई कैरी तो होती नहीं है, तो आप जनरली कैरी को क्या ले सकते हो यहां पर, 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज में यू कैन टेक कैरी एज अ 0। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि जो लास्ट स्टेज है वो आपका हाफ एडर भी लिया जा सकता है और यू कैन ऑल्सो टेक फुल एडर। क्लियर है यहां तक अच्छे से? तो सपोज करो अगर मैं फुल एडर ले रहा हूं तो यहां पर सी नॉट को हम 0 ले सकते हैं। तो अब यहां पर आपका एक सम बिट मिलेगी जिसे मैं एस नॉट नाम दे रहा हूं यहां पर, और एक आपकी मिल जाएगी कैरी बिट। तो चूंकि यहां पर मैंने सी नॉट यूज किया है तो यहां पर मैं कैरी के लिए यूज कर रहा हूं C1, ठीक है, और सम के लिए मैंने यूज किया है एस नॉट। अब ये जो C1 है आपका, जैसे आपने अभी अभी एग्जांपल में देखा था कि जब आप ऐड करते हो तो जो C1 है या जो कैरी है आपकी वो अगले कॉम्बिनेशन के साथ ऐड होगी, तो अब आपकी C1 किसके साथ ऐड होगी, A1 B1 C1, ठीक है। यहां से आपको अगेन क्या मिलेगा, सम एंड कैरी। देन जो C2 मिली
वो आपकी ऐड हो जाएगी ए टू बी टू के साथ, देन यू विल गेट सम एंड कैरी, एंड एट लास्ट आपका ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री, एंड अगेन आपको मिलेगा कैरी सी फोर एंड सम एस थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक अच्छे से? तो आपको यह पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है कि लास्ट स्टेज दैट मींस एलएसबी स्टेज के लिए यू कैन यूज हाफ एडर, बट जैसा मैंने आपको बोला सिर्फ एक ही हाफ एडर आप यूज कर सकते हो, बाकी सारे आपको फुल एडर यूज करने ही पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी नहीं, इससे बेटर है सिस्टम को यूनिफॉर्म बना दो, तो आप सारे के सारे क्या यूज कर सकते हो, फुल एडर भी यूज कर सकते हो। तो आपको दोनों पॉइंट माइंड में रखना है यहां पर। अब अगर मैं बात करूं फाइनल सम की, तो अगर मैं बोलूं सम आउटपुट क्या है, तो सम का मतलब क्या होता है? सम हो जाएगा आपका S3, S2, S1 एंड S0, ठीक है। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, सम आउटपुट। और कोई बता सकता है फाइनल कैरी क्या बोलेंगे? फाइनल कैरी आउटपुट, जैसे हमने लिखा सम आउटपुट इज S3, S2, S1, S0, तो फाइनल कैरी आउटपुट आप क्या लिखोगे? ओके गुड, फाइनल कैरी हमारी हो जाएगी C4, ठीक है ना। फाइनल कैरी आपकी हो जाएगी C4, जो आपने यहां से लिखी हुई है, देख सकते हो आप लोग C4, क्लियर। तो जो सम और कैरी है वो आपका फुल एंड फाइनल आउटपुट बना देगी, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका होता है फोर बिट एडिशन, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस तरह के सर्किट का डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस सर्किट का नाम क्या है? पैरेलल एडर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक साथ आपका वर्क परफॉर्म होना। लेकिन क्या यहां पर एक साथ एडिशन हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि जब तक ये एलएसबी वाला फुल एडर या हाफ एडर वर्क नहीं करेगा, तब तक आपका ये वाला फुल एडर वर्क नहीं कर सकता। जब तक ये वाला फुल एडर आपका वर्क नहीं करेगा, तब तक ये नहीं कर सकता, और जब तक ये तीनों नहीं करेंगे तब तक आपका लास्ट वाला नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए कि सब के सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। कोई भी एक एडर दूसरे एडर पर क्या है? डिपेंडेंट। तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये पैरेलल एडर बस नाम ही है, आपके जो ऑपरेशन है वो एक साथ परफॉर्म नहीं हो रहे, तो बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी स्लो एडर। तो यहां पर इसको इंप्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट टाइप का जो एडर पढ़ते हैं, लुक अहेड कैरी एडर, वो हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले इस पैरेलल एडर से कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपोज करो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप लास्ट मींस एलएसबी पोजीशन में फुल एडर यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला कि एलएसबी पोजीशन में यू कैन यूज हाफ एडर एज वेल एज यू कैन यूज फुल एडर। तो अगर आप एलएसबी पोजीशन में फुल एडर यूज कर रहे हो, तो फॉर एन बिट ऑपरेशन कितने फुल एडर आपको लगेंगे? कोई बता सकता है? फॉर एन बिट ऑपरेशन, जैसे हमने यहां पर फोर बिट ऑपरेशन का एग्जांपल लिया हुआ है, तो फॉर एन बिट ऑपरेशन कितने फुल एडर हमें लगेंगे? फॉर एन बिट ऑपरेशन, अगर आप लास्ट एलएसबी में फुल एडर ही यूज कर रहे हो, नो एन लगेंगे आपके, तो एन फुल एडर लगेंगे। मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एलएसबी पोजीशन में आप फुल एडर ही यूज कर रहे हो, दैट मींस यहां पर आप क्या यूज कर रहे हो? फुल एडर। तो फोर बिट के लिए कितने लगे थे? 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल आपके एन बिट के लिए कितने लगेंगे? एन। नाउ अगेन एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लास्ट एलएसबी स्टेट तो आपका फुल एडर ही है, तो आप मुझे बताओ कि एन बिट ऑपरेशन के लिए कितने हाफ एडर लगेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप लोगों को।
कि मुझे टोटल एन के एन फुल एडर ही चाहिए, ठीक है, एलएसबी पोजीशन में भी फुल एडर ही है। लेकिन जब मैं लैब गया तो लैब जाकर मैंने क्या देखा कि कोई भी फुल एडर है ही नहीं, सारे के सारे क्या है, हाफ एडर। तो मुझे हाफ एडर को कनेक्ट कर करके फुल एडर बनाने होंगे। तो आप मुझे अब आंसर करो कि अगर एलएसबी पोजीशन में फुल एडर ही है तो एन बिट के लिए कितने हाफ एडर्स आपके लगेंगे। बेसिकली आपको बनाना फुल एडर ही है, मैंने आपको लास्ट क्लास पे सिखाया था कि आप हाफ एडर का यूज करके फुल एडर कैसे डेवलप कर सकते हो। ओके, तो एक ने लिखा है 7 हाफ एडर रिक्वायर्ड, ठीक है, और गेट भी लगते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। एक ने लिखा है n बाई टू, तो देखो ध्यान से देखो, आपको बताना है कितने हाफ एडर लगेंगे। इस बात को समझो ध्यान से, अगर आप 4 बिट का ही एग्जांपल ले रहे हो, चारों के चारों में अगर आपको फुल एडर यूज करने हैं, ठीक है, तो आपको एक फुल एडर के लिए कितने हाफ एडर लगते थे, याद करो, 2 हाफ एडर लगते थे और एक और गेट लगता था। तो यहां पर 2n हाफ एडर लगेंगे और साथ ही साथ n और गेट लगेंगे। तो सबके आंसर गलत है यहां पर। मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन आपको यहां पर यह एक्सप्लेन किया है कि लास्ट स्टेज आपको फुल एडर ही रखना है। तो अगर आप यहां पर 4 बिट का एग्जांपल लेते हो तो आपको 4 फुल एडर डेवलप करने थे, तो 4 फुल एडर के लिए कितने हाफ एडर लगेंगे, 8, क्योंकि एक फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर लगते हैं और एक फुल एडर के लिए एक और गेट लगता है, ठीक है। तो n फुल एडर के लिए 2n हाफ एडर और साथ ही साथ n और गेट, क्लियर है। अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि लास्ट स्टेज जो है वो फुल एडर है, मींस एलएसबी वाला। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा, लास्ट जो एलएसबी वाला स्टेज है वो आपका हाफ एडर है। लास्ट स्टेज एलएसबी स्टेज इज हाफ एडर, मींस यहां पर आप हाफ एडर यूज कर रहे हो, बाकी सारे फुल एडर आप यूज करोगे। तो इस केस पे आप मुझे बताओ कितने फुल एडर और कितने हाफ एडर। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि इस केस में आप n माइनस 1 फुल एडर यूज करोगे और 1 क्या यूज करोगे, आप हाफ एडर, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि लास्ट स्टेज में मैं आपको क्या बोल रहा हूं। लास्ट मींस एलएसबी वाला स्टेट, एलएसबी वाला स्टेट जो पहले के 2 पॉइंट हमने लिखे थे, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि एलएसबी वाला स्टेट क्या होना चाहिए, फुल एडर। जो अब लास्ट के 2 पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, जिसमें से 1 पॉइंट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एलएसबी स्टेट आपका हाफ एडर है, ठीक है। अब जो आपका सेकेंड पॉइंट है इस सिचुएशन में, जो आपका सेकेंड पॉइंट है जब एलएसबी स्टेट हाफ एडर है, तो वो ये है कि आप लैब गए लेकिन आपने लैब में जाकर देखा कि सारे के सारे आपके पास हाफ एडर है, ठीक है, एक भी आपके पास फुल एडर है ही नहीं। लेकिन आपको पता है कि एलएसबी में तो आपको हाफ एडर यूज करना है, लेकिन बाकी सब जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फुल एडर। तो इसका मतलब क्या है, देखो पॉइंट नंबर 1 से ही आप पॉइंट नंबर 2 बड़े आराम से लिख सकते हो। जैसे यहां पर पॉइंट नंबर 1 क्या था, जब सबके सब फुल एडर यूज करने थे, तो n फुल एडर को आप क्या लिख सकते हो, 2n हाफ एडर और n और गेट, ठीक है। वैसे ही देखो यहां पर n माइनस 1 फुल एडर को आप क्या लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो 2 इंटू n माइनस 1 हाफ एडर, क्योंकि आपको पता है एक फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर चाहिए। तो n माइनस 1 फुल एडर के लिए कितने हाफ एडर चाहिए होंगे, 2 इंटू n माइनस 1, और आप देख सकते हो प्लस में 1 हाफ एडर पहले से था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हाफ एडर, क्लियर है यहां तक अच्छे से। उसके बाद आपको एक और पॉइंट जो क्लियर है कि जब आप फुल एडर से हाफ एडर बनाते हो, या हाफ एडर से जब आप फुल एडर बनाते हो, तो आपको 2 हाफ एडर चाहिए होते हैं और साथ ही साथ एक और गेट चाहिए होता है। तो यहां पर आपको कितने फुल एडर डेवलप करने थे, एन माइनस 1, तो आपको 2 इंटू एन माइनस 1 हाफ एडर लेने पड़े और साथ ही साथ में एन माइनस 1 क्या लेने पड़ेंगे, आपको और गेट, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर
इस पॉइंट का जो आंसर निकल कर आएगा आपके लिए वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेकेंड पॉइंट 2n माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2n माइनस 1 हाफ एडर प्लस n माइनस 1 और गेट, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका। स्टार्ट के टू पॉइंट्स थे जब लास्ट वाला स्टेट क्या था आपका फुल एडर, और लास्ट के टू पॉइंट्स थे जब लास्ट वाला स्टेट क्या था आपका हाफ एडर। क्लियर है सबको अच्छे से? ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बोल सकते हो इनको, ओके। तो ये फोर पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। नाउ यहां पर ये सारे के सारे ऑपरेशन हो जाने के बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख सकते हैं, फुल एडर्स और एंड हाफ एडर्स से रिलेटेड। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ध्यान से, सपोज करो यहां पर मैं एक ऐसा सर्किट डेवलप कर दूं कि आपके पास 4 बिट पैरेलल एडर है, ठीक है, जिसमें आप ऑल फुल एडर स्टडी कर ले हो, ठीक है। 4 बिट आपके पास पैरेलल एडर है जिसमें आप सारे के सारे क्या यूज कर रहे हो, फुल एडर, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि एक फुल एडर के लिए, एक फुल एडर के लिए सम जो है, सम जनरेट करने का जो टाइमिंग है, अगर वो आपका 20 नैनो सेकेंड है और कैरी जनरेट करने का जो टाइमिंग है वो अगर आपका 10 नैनो सेकेंड है, ठीक है, अगर आपका सम जनरेट करने का टाइमिंग जो है वो 20 नैनो सेकेंड है और कैरी जनरेट करने का जो टाइमिंग है अगर वो आपका 10 नैनो सेकेंड है और आपका 4 बिट पैरेलल एडर है जैसा मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ था पहले, और चारों के चारों आपके फुल एडर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम फॉर कंप्लीट 4 बिट एडिशन, टोटल टाइम फॉर कंप्लीट 4 बिट एडिशन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को फिर से यहां पर रिपीट कर देता हूं। आपके पास एक पैरेलल एडर है, ठीक है, जिसमें आप 4 बिट एडिशन परफॉर्म करना चाहते हो, और आपने 4 बिट एडिशन परफॉर्म करने के लिए चारों के चारों फुल एडर ही लिए हैं, जैसे मैंने आपको केसेस समझाया था कि आप चारों के चारों फुल एडर लो, ठीक है, गुड, किसी एक ने आंसर भी कर दिया तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप आंसर सोच सको इतने टाइम में, वेरी गुड, लेकिन आंसर रॉन्ग है तो यहां पर मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका 4 बिट एडिशन आपको परफॉर्म करना है, चारों के चारों फुल एडर हैं, ठीक है, और सम आउटपुट जनरेट करने के लिए 20, आप नैनो को छोड़ दो अभी, आप सिर्फ 20 सोचो, सम आउटपुट जनरेट करने के लिए 20 चाहिए और कैरी आउटपुट के लिए 10 चाहिए, तो आप मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा। सबके आंसर रॉन्ग है, ठीक है, जिन लोग ट्राई कर रहे हो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आपको इतनी स्पीड से कम इंटरप्रेट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, वेरी गुड, बट आंसर रॉन्ग है, और सोचो आप लोग, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ठीक है, आप लोग समझ के चलो कि ऑप्शन नहीं दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन में, आप वैसे ही ट्राई करो। थोड़ा सा थिंक करो, जैसे मैं थ्योरी को एक बार और रिपीट करता हूं आपके लिए। देखो, जो आपका फुल एडर के थ्रू जो आपने पैरेलल एडर अभी अभी स्टडी किया थ्योरी में, उस पैरेलल एडर में प्रॉब्लम क्या थी? पैरेलल एडर में प्रॉब्लम ये थी कि जब तक ये कैरी बिट जो है ये जब तक यहां से यहां नहीं पहुंचेगी तब तक ये अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब तक ये बिट, कैरी वाली बिट, इस फुल एडर तक नहीं पहुंचेगी ये अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा, और लास्ट में ये फाइनल फुल एडर भी अपना वर्क स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसे कैरी नहीं मिलेगी।
इस पॉइंट को समझो, मैं जोर किस पे दे रहा हूं, कैरी पे। क्या क्या इसे सम के लिए वेट करने की जरूरत है? नहीं। इसे कौन सी बिट चाहिए? इसे कैरी वाली बिट चाहिए। तो अब आप बताओ, नहीं 30 भी रॉन्ग है, 90 भी रॉन्ग है। चलो काफी आप लोगों ने ट्राई किया, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर रॉन्ग होने में। ध्यान से समझते हैं। देखो देखो मैंने क्या बोला, इसको वेट क्यों करना पड़ रहा है? कैरी के कारण, C1 के कारण। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, कैरी कितने समय में जनरेट होता है? 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो समझना इस बात को, जब ये पहला फुल एडर अपना काम करना स्टार्ट करेगा तो ये 10 नैनो सेकेंड के बाद कैरी दे देगा। ठीक है, जिन्होंने 30 आंसर किया है ना, वो थोड़ा सा और सोचो, वो काफी क्लोज हो आप, जिन्होंने 30 आंसर किया है। ओके, देखो तो 10 के बाद ये अपना आउटपुट दे देगा। तो ये वाला जो फुल एडर है वो कितने टाइम के बाद काम करना स्टार्ट करेगा? 10 के बाद। यस, 50 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 10 के बाद काम करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो ये जब 10 के बाद काम करना स्टार्ट करेगा तो ये वाला कितने के बाद काम करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि अगर ये 10 के बाद काम करना स्टार्ट किया है तो इसकी कैरी कितने के बाद जनरेट हो जाएगी? 10+10 20 के बाद। क्योंकि कोई भी फुल एडर जब काम करना स्टार्ट करेगा तो 10 नैनो सेकेंड ले रहा है वो कैरी देने में, तो 20 के बाद इसकी कैरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और इसको कैरी कितने के बाद मिलेगी? 30 के बाद। क्लियर है अच्छे से? देख लो, ये आपको 10 के बाद कैरी दे रहा है तो 10 के बाद ये काम करना चालू कर देगा, ये 20 के बाद कैरी दे रहा है तो 20 के बाद ये काम करना चालू कर देगा, ये 30 के बाद कैरी दे रहा है तो ये 30 के बाद काम करना चालू करेगा। लेकिन 30 आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने पूछा टोटल टाइम फॉर कंप्लीट 4-bit एडिशन। कंप्लीट 4-bit एडिशन का मतलब होता है सम और कैरी दोनों आउटपुट आना। तो ये जब आपका काम करना स्टार्ट करेगा 30 के बाद, तो इसको इसको कितना टाइम लगेगा फिर सम आउटपुट देने में? फाइनल आपका एम क्या है? आपको सम आउटपुट भी मिले और कैरी आउटपुट भी मिले। ठीक है ना, तो ये 20 के बाद सम आउटपुट देता है, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 50। और आप एक चीज और चेक कर सकते हो, देखो फाइनल आंसर का मतलब क्या है? फाइनल आंसर का मतलब है कि आपको C4 मिल जाए, आपको S3, S2, S1 और S0, ये आपका फाइनल आंसर होता है। मतलब फाइनल कैरी मिल जाए और सम आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो 50 में क्या आपको S3, S2, S1, S0 चारों मिल जाएंगे? देखो 10 के बाद इसने कैरी ली तो 10 के बाद ये काम करना चालू कर दिया और 20 के बाद ये सम दे देगा अपना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे देने दो 20 के बाद सम, हमें सम तक इंतजार नहीं करना है। ठीक है, अब ये 10 के बाद काम करना चालू किया था तो ये 30 के बाद, क्योंकि 20 सेकेंड लगता है सम देने में, तो 30 के बाद सम देगा, 20 के बाद कैरी देगा, तो ये 20 के बाद काम करना चालू कर रहा है तो ये आपका 30 के बाद क्या देता? कैरी। और 40 के बाद क्या देता? सम। अब ये आपका 30 के बाद काम करना चालू कर रहा है तो ये आपका 40 के बाद क्या देगा? कैरी। लेकिन अब आपको फाइनल कैरी चाहिए ना और फाइनल सम चाहिए, तो 50 के बाद आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल सम मिल जाएगा। तो 50 एक ऐसी वैल्यू है जिसके बाद सारा का सारा ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। एक बार देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि डायरेक्टली देखने पर हमें लगता है 80 आंसर है। ठीक है, लेकिन 80 आंसर नहीं है इसका। किसी को कोई डाउट है? हमेशा सिर्फ इस बात पे फोकस रखो कि काम कब करना चालू कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है सर। नाउ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराऊंगा अभी इसी टॉपिक पे। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन 4-bit एडर है, लेकिन अब आपके चारों के चारों हाफ एडर है। तो इस बात को ध्यान समझना, चारों के चारों हाफ एडर है और इनके जो इनपुट्स हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या लेना है। A3, A2, A1 और A0।
ठीक है, तो ये आपका सर्किट है, चारों के चारों आपके हाफ एडर हैं और यहां पर आपका हाफ एडर जो फर्स्ट है आपका एलएसबी पोजीशन वाला, उसमें एक इनपुट आपका वन है, ये जो है ना आपका दिस इज वन, ठीक है, और बाकी ए जीरो यहां पर एलएसबी पोजीशन में लगा है। देन देखो इस वाले हाफ एडर से आपको सम मिलेगा और कैरी मिलेगा, तो ये जो कैरी है वो अगले वाले हाफ एडर का एक इनपुट बन रहा है और एक इनपुट आपको मिल रहा है ए वन के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, क्योंकि हाफ एडर में आपको पता है सिर्फ दो ही इनपुट होते हैं, ठीक है, तो आपका सिर्फ एक नंबर है, नंबर कौन सा है ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, जिसका कॉम्प्लीमेंट करके आप लगा रहे हो। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि यहां पर आप ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो जो नंबर है उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो, जो भी आपके मन में आता है, आपको एग्जैक्ट सर्किट का नाम अगर नहीं भी समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दो, थ्योरिकली बता दो कि कौन सा ऑपरेशन आप इस नंबर पे परफॉर्म कर रहे हो ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, सब्ट्रैक्शन आंसर रॉन्ग है, मींस एग्जैक्ट रॉन्ग मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, आपके फोर बिट एडर ही है यहां पर चारों के चारों आपके हाफ एडर हैं, ठीक है, पैलर एडर ही है, वेरी गुड, एक ने आंसर किया है टूस कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आपके चारों के चारों हाफ एडर है, ठीक है, ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो आपका एक नंबर है जिसको आप कॉम्प्लीमेंट कर करके हाफ एडर के एक इनपुट दे रहे हो, और जो हाफ एडर का दूसरा इनपुट है पहले वाले हाफ एडर का एलएसबी पोजीशन को, उसमें आपने दिया है वन, और बाकी हाफ एडर का जो दूसरा इनपुट होगा वो आपको कैरी से मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप देखो, मान लो आपका नंबर है 1011, ए थ्री ए टू ए वन ए नॉट, आपका नंबर है 1011, तो आप कर क्या रहे हो, सबका क्या ले रहे हो, आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, आप देख सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद नंबर क्या बचेगा आपका 0100, ठीक है, क्लियर है। अब जो ए जीरो का कॉम्प्लीमेंट है वो कहां लग रहा है, आप देखो ए जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका एलएसबी वाले हाफ एडर में लग रहा है, और एलएसबी वाले हाफ एडर में एक और इनपुट क्या है आपका वन है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो प्लस वन, ठीक है, क्योंकि एलएसबी वाले हाफ एडर में एक और इनपुट आपका वन है, क्लियर है अच्छे से नाउ, तो जीरो प्लस वन कितना होगा वन, कोई कैरी आई क्या, नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जीरो फिर वन फिर जीरो, तो आप देख सकते हो बेसिकली आपने किया क्या है, बेसिकली आपने पहले बिट्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, देन आपने प्लस वन कर दिया, और ये क्या होता है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। ऑल दो अभी तक हमने नंबर सिस्टम स्टडी नहीं किया है, वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन आई थिंक ये वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज सबको होता ही है, और किसी को अभी नहीं पता है तो जस्ट टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट लो, दैट मींस वन को जीरो करो, जीरो को वन, और देन प्लस वन कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। चलो नाउ, ये जो आपका एडर था पैरेलल एडर, उसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो थी हमारी कि पैरेलल एडर में आपको कैरी के लिए वेट करना पड़ता था। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम जो नेक्स्ट एडर स्टडी करते हैं वो है आपका लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर। तो ये क्या होता है हमारा लुक अहेड कैरी एडर, तो बेसिकली अगर आप लुक अहेड कैरी एडर की बात करते हो तो यहां पर आप टू एडिशनल फंक्शन यूज करते हो टू रिमूव द प्रॉब्लम। एक होता है आपका कैरी प्रोपगेशन फंक्शन और एक होता है कैरी जनरेशन फंक्शन। यू यूज टू एडिशनल फंक्शन, वन इज कैरी प्रोपगेशन एंड वन इज कैरी जनरेशन। तो कैरी प्रोपगेशन फंक्शन हमारा क्या होता है, ए आई एक्स और बी आई,
इट इज कैरी प्रोपगेशन. एंड कैरी जनरेशन क्या होता है आपका, ए आई इंटू बी आई. बेसिकली आई क्या है, आई जो है ना आपका इंडिविजुअल बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे मान लो आपके ए और बी 4 बिट के दो नंबर्स हैं, ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो. ठीक है, तो आप हर एक कॉम्बिनेशन के लिए पी और जी निकालोगे. मतलब पी थ्री क्या होगा, ए थ्री एक्सॉर बी थ्री, मतलब आई क्या हो गया 3 हो गया. देन पी टू ए टू एक्सॉर बी टू, आई क्या हो गया 2 हो गया. वैसे ही पी वन पी जीरो, जी थ्री जी टू जी वन जी जीरो, बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, तो लुक अहेड कैरी एडर में होता क्या है. बेसिकली लुक अहेड कैरी एडर में ये टू एडिशनल फंक्शन का आप यूज करते हो. तो जो भी लुक अहेड कैरी एडर का सर्किट होता है ना, सपोज करो 4 बिट लुक अहेड कैरी एडर की हम बात करते हैं. कोई ऐसा एडर है लुक अहेड कैरी एडर जो 4 बिट एडिशन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो होगा क्या, लुक अहेड कैरी एडर के स्टार्ट में ही आपके 4 एक्सॉर गेट और 4 एंड गेट लगे होंगे. ठीक है, 4 एक्सॉर एंड 4 एंड गेट आपके लगे होंगे लुक अहेड कैरी एडर के स्टार्ट पे. एक्सॉर गेट से आप निकाल लोगे पी थ्री पी टू पी वन एंड पी जीरो. ठीक है, तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं. तो ये आपका हो गया पी थ्री से पी जीरो तक. और एंड गेट से आप निकाल लोगे जी थ्री जी टू जी वन एंड जी जीरो. ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली ये जो आपका जी है वो क्या है, ए इन टू बी है. तो होता क्या है, जो भी आपका लुक अहेड कैरी एडर होता है उसमें स्टार्ट में ही जितने बिट एडिशन परफॉर्म कर सकता है वो एडर, उतने आपके एक्सॉर गेट और एंड गेट लगे होते हैं. जिससे कि आप जैसे ही इनपुट प्रोवाइड करोगे आपको तुरंत ही मिल जाएंगे कैरी प्रोपगेशन एंड कैरी जनरेशन फंक्शन. और एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि ये जो 8 के 8 आपके गेट्स लगे हुए हैं, 4 एक्सॉर और 4 एंड गेट, किसी का भी इनपुट किसी दूसरे के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता. तो ये सारे के सारे ऑपरेशन आपके एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे. तो डिले बिल्कुल ही कम होता है क्योंकि सबके सबको आप एक साथ परफॉर्म करोगे. तो ये जो एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं कैरी प्रोपगेशन एंड कैरी जनरेशन का, उसमें आपका बिल्कुल भी डिले नहीं होता है. ठीक है, तो यहां पर ये कैरी प्रोपगेशन और कैरी जनरेशन फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि लुक अहेड कैरी एडर के स्टार्ट में ही 4 एक्सॉर और 4 एंड गेट लगे होते हैं जिससे वो तुरंत ही जनरेट हो जाते हैं. उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से समझना. अगर हम बात करते हैं फुल एडर की, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फुल एडर का सम ऑपरेशन देखा था और कैरी ऑपरेशन देखा था. जो सम के लिए इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, डिराइव कराया था सम का ऑपरेशन. कैरी का जो होता है आपका वो होता है ए एक्सॉर बी इंटू सी प्लस ए बी. अगर आपको याद होगा कैरी का इक्वेशन हमने जो लास्ट क्लास पे डिराइव किया था और यूज भी किया था, ए एक्सॉर बी इंटू सी प्लस ए बी. यहां पर मैंने सम में देखो आई लिखा है. आई क्यों लिखा है आपको क्लियर होगा, एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो. ठीक है, तो हर एक फुल एडर का अपना अपना सम होगा. एलएसबी वाले फुल एडर का क्या होगा, एस जीरो. तो ए जीरो एक्सॉर बी जीरो एक्सॉर सी जीरो. लेकिन कैरी वाले इक्वेशन में मैंने लिखा है सी आई प्लस वन. आपको क्या करना है, जो आपने अभी अभी पैरेलल एडर स्टडी किया है ना, अगर आपने वो फिगर नोट किया है तो उसी फिगर को वॉच करना है बस. उस फिगर में अगर आप देखोगे, आपने जो पहला सम लिया था वो लिया था एस जीरो, लेकिन जो पहली कैरी ली थी वो ली थी सी वन. ठीक है,
जो आपने लास्ट सम लिखा था वो लिखा था S3, लेकिन कैरी क्या मिली थी? C4। आपने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि आपने C0 स्टार्ट में ही यूज कर लिया था, तो आपने कैरी स्टार्ट की थी C1 से। दैट्स व्हाई जब सम मिलेगा SI तो कैरी क्या मिलेगी? CI+1। तो यहां पर अब हम SI को क्या लिख सकते हैं? हमने दो एडिशनल फंक्शन यहां पर पढ़े हैं। PI क्या है? AI XOR BI। तो SI को आप लिख सकते हो PI XOR CI। CI+1 को हम क्या लिख सकते हैं? आप देखो ध्यान से, AI XOR BI। तो AI XOR BI क्या है? PI × CI। फिर प्लस में क्या है? प्लस में है AI × BI, जो कि क्या है? GI। अब हमें यह पॉइंट क्लियर रखना है यहां पर कि हम पैरेलल एडर के रेफरेंस में इसे पढ़ रहे हैं। पैरेलल एडर के डिसएडवांटेज को हमें रिमूव करना है। पैरेलल एडर का मेजर डिसएडवांटेज क्या था? कि कैरी के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जो डिले होता था, या कैरी के लिए हमें वेट करना पड़ता था, ठीक है ना। तो अगर आप पैरेलल एडर के फिगर को वापस से देखो, वापस से वॉच करो, तो अगर आप मुझे बताओ पैरेलल एडर के फिगर को देखकर कि अगर आपको पहले से ही C1, C2, C3, C4 एक साथ पता होता, C1, C2, C3, C4 अगर आपको एक साथ पता होता, तो क्या आप वेट करते कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पैरेलल एडर के फिगर में? आप देख के बताओ कि अगर आपको C1, C2, C3 और C4 पहले से अगर पता होता, तो क्या आप चारों के चारों एडर को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो बाकी के इनपुट्स थे वो क्या थे? A और B, ठीक है ना। पहले वाले एडर में इनपुट क्या था? A0 B0। सेकेंड वाले में था A1 B1। थर्ड वाले में था A2 B2 एंड लास्ट वाले में था A3 B3। आपको वेट किसके लिए करना पड़ रहा था? वेट आपको करना पड़ रहा था C1, C2, C3 के लिए, और फाइनली आपको C4 मिलता था। क्लियर है अच्छे से? तो अगर आपको C1, C2, C3, C4 की वैल्यू पहले से पता हो, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो डिसएडवांटेज था उसका वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर पहले आप लोग इस इक्वेशन तक देख लो, SI और CI+1 का इक्वेशन जो हमने लिखा है वो क्लियर है सबको अच्छे से कैसे हम लोगों ने लिखा है अभी तक? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझो स्टेप बाय स्टेप। स्पेशली CI+1 का इक्वेशन, ये सबको क्लियर है? तो ये जो आपका CI+1 का इक्वेशन है, उसमें अगर आप देखो C1 अगर आप निकालना चाहते हो C1, तो I की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 0, क्योंकि CI+1 है। तो I 0 जब पुट करोगे तो क्या बनेगा? P0 C0 + G0। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? ओके, CI+1 को फिर से रिपीट करना है तो मैं कर देता हूं। CI+1 में क्या रिपीट करना है? कि हमने इसको PICI कैसे लिखा, कि हमने CI+1 क्यों लिखा और वहां पर SI क्यों लिखा है। अगर यहां पर ये डाउट है कि SI और CI+1 क्यों लिखा है, तो उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूं। आप पैरेलल एडर के फिगर को देखो, वहां पर जो पहला आउटपुट था वो S0 लिया था, लेकिन पहली कैरी जो थी वो C1 थी। आप चेक कर लो, दैट्स व्हाई SI के रेस्पेक्ट में आपने CI+1 लिखा है। आप चेक करो पहले रेडर के फिगर में, लास्ट वाला जो सम था वो आपका S3 था, लेकिन जो लास्ट वाली कैरी थी वो C4 थी। आप चेक करो पहले रेडर के फिगर में, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमने प्लस वन क्यों किया है। और हमने प्लस वन जो है वो सफिक्स पे किया है ना, आई के साथ, सी के साथ प्लस वन नहीं है वो। नाउ जब आपको C1 कैलकुलेट करना था, तो आपने आई की वैल्यू क्या पुट की? 0। अब C2 के लिए आई क्या पुट करोगे? 1। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, P1 C1 + G1। इसको आराम से देखो और अच्छे से देखो, C2 के लिए आपने I क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो क्या मिला? P1 C1 + G1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
जो आपने इक्वेशन नंबर वन में सी वन लिखा है उसको आप यहां पर पुट कर सकते हो। देखो पी वन इंटू सी वन है ना, तो सी वन की वैल्यू आप कहां से पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर वन से। तो कितना हो जाएगा आपका पी वन पी नॉट सी नॉट प्लस पी वन जी नॉट प्लस जी वन, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर टू। यहां तक अच्छे से क्लियर है? हम लोगों ने क्या किया, ये जो सी आई प्लस वन का स्टैंडर्ड इक्वेशन में है उसमें पहले आई की वैल्यू जीरो पुट की तो क्या लिखा सी वन, फिर आई की वैल्यू वन पुट की उस क्या लिखा सी टू लिखा। सी टू के इक्वेशन में सी वन आ रहा था, सी वन को इक्वेशन नंबर वन से पुट कर दिया, ठीक है। अब आई की वैल्यू टू पुट करो तो क्या आ जाएगा आपका सी थ्री, तो क्या हो जाएगा आपका ये पी टू सी टू प्लस जी टू। तो यहां पर आप C2 की वैल्यू पुट कर सकते हो कहां से, इक्वेशन नंबर टू से। देख लो इक्वेशन नंबर जो थ्री है, जो C3 है उसमें क्या मिल रहा है P2 C2 प्लस G2, तो C2 की वैल्यू कहां से पुट कर दो, इक्वेशन नंबर टू से। तो क्या हो जाएगा P2 P1 P0 C0 देन P2 P1 G0 देन P2 G1 प्लस G2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। क्लियर यहां तक अच्छे से? नाउ लास्ट, अगर आपको C4 निकालना है, लास्ट इक्वेशन C4 का इक्वेशन, C4 के लिए I की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो कितना हो जाएगा आपका P3 C3 प्लस G3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 3 से आप क्या लिख सकते हो, C3 की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन नंबर थ्री से आप C3 की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा P3 P2 P1 P0 C0 P3 P2 P1 G0 P3 P2 G1 P3 G2 और लास्ट में क्या है आपका G3। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फोर क्या हो गया आपका। Now, अगर आप चारों के चारों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, C1, C2, C3, C4, इक्वेशन नंबर वन टू थ्री फोर, तो चारों के चारों इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। C1 का इक्वेशन आप ध्यान से देखो, C1 का जो इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, P0 पे C0 पे और G0 पे। आप पहला एडर के फिगर को फिर से देख लो, मैंने आपको क्या कहा था C0 जो है जब आप सारे के सारे फुल एडर यूज करते हो तो C0 क्या है, इनिशियल कैरी है और मैक्सिमम टाइम उसे आपको क्या लेना होगा, जीरो ही लेना होगा। तो इनिशियल कैरी आपको हमेशा पता होगी C0, और ये जो P0 G0 है मैंने आपको क्या बोला, लुक अहेड कैरी एडर क्या होता है कि आप अपने इनपुट ही देते हो एक्सॉर और एंड गेट को, जिससे कि आपको तुरंत ही क्या मिल जाते हैं P3 P2 P1 P0 G3 G2 G1 G0, तो आपको P0 G0 भी अवेलेबल होगा। अब आप इक्वेशन नंबर टू को देखो, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, P P C P G G मींस G P और C0 पे डिपेंड कर रहा है, अगेन C0 इनिशियल कैरी है। तो आप देख सकते हो C2 जो है उसके लिए आपको कहीं से भी C1 की जरूरत नहीं है। आपको अगर C1 ना भी पता हो स्टिल जो आपका C2 है वो सिर्फ P और G पर डिपेंड कर रहा है, और P और G तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको इनपुट देते ही मिल जाएंगे। C3 को अगर आप देखोगे, C3 को तो C3 भी सिर्फ और सिर्फ P और G पर डिपेंड कर रहा है, और एट लास्ट C4 जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ P और G पर डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ इनिशियल कैरी पर डिपेंड कर रहा है C0 पे। तो ये सभी चीजें आपको पहले से पता होगी, C4 निकालने के लिए आप चेक करके बता दो कि आपको कहीं से भी C1 या C2 या C3 की नीड है क्या, बिल्कुल नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट दैट कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, लेकिन आपको कैरी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो एक डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट पैरेलल एडर के रेस्पेक्ट में एडवांटेज क्या है कि देयर इज नो नीड टू वेट फॉर कैरी, ठीक है। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है।
ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, फिर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूंगा इसमें से भी। पहले अच्छे से देख लो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को, सबको क्लियर है अच्छे से कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चारों के चारों इक्वेशन आपके पीजी पे डिपेंड कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब जिनका हो गया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, आप सिर्फ इक्वेशन 1, 2, 3, 4 पे फोकस करना, 1 से लेकर 4 तक इक्वेशन को। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर मुझे C1, C2, C3, C4 को बनाना है, मतलब लॉजिक गेट्स के थ्रू रियलाइज करना है, तो आप मुझे बताओ कि ऑब्वियस सी बात है आप मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट का यूज करोगे और प्लस के लिए और गेट का यूज करोगे, चारों के चारों इक्वेशन में मल्टीप्लाई और प्लस ही हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने कोई लिमिट नहीं रख रहा हूं कि आप कितने इनपुट का लॉजिक गेट यूज करोगे, आपको जितने इनपुट का यूज करना है आप उतने इनपुट का यूज करो। आपको 10 इनपुट वाला एक लॉजिक गेट यूज करना है, आप 10 इनपुट वाला लॉजिक गेट यूज कर सकते हो। तो मुझे बताओ सबसे पहले कितने एंड गेट लगेंगे, ठीक है, एंड गेट से मल्टीप्लाई ही करना है, प्लस के लिए और गेट बताना आप लोग, ठीक है। तो प्लस को मत सोचना अभी, प्लस के लिए मैं पूछूंगा आपसे दूसरा क्वेश्चन कितने और गेट लगेंगे, अभी आप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स को देखकर मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 में कि कितने एंड गेट आपको लगेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट क्लास में जो हमने नैंड और नॉर गेट पढ़ा था वहां लिमिटेशन थी कि आपको सिर्फ 2 इनपुट्स वाले यूज करने हैं, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट आप मुझे ये बताओ कितने एंड गेट लगेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में। वेरी गुड आंसर, 10 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गुड। तो मैं रिपीट कर देता हूं, जैसा मैंने बोला नंबर ऑफ इनपुट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको P0 C0 परफॉर्म करना था, तो P0 C0 एक एंड गेट से काम बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में आपको P1 P0 C0 परफॉर्म करना था, तो बेसिकली 3 इनपुट्स वाला एक एंड गेट यूज कर लो, मैंने आपको बोल दिया है कितने भी इनपुट का एक एंड गेट यूज कर सकते हो। फिर P1 इंटू G0 के लिए फिर एक एंड गेट और लग जाएगा, तो कितने हो गए 1, 2, 3। इक्वेशन नंबर 3 में देख लो कितने हैं 1, 2, 3, कितने हो गए टोटल 6। इक्वेशन नंबर 4 में देखो 1, 2, 3, 4, 10। बेसिकली आपको यह देखना था कितने मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स हैं, दैट्स इट। जिनका आंसर आ गया है वो ये बताओ, अगर n बिट्स है तो n के फॉर्म में क्या बोलोगे आंसर, n के फॉर्म में, जैसे मान लो C1, C2, C3, C4 अप टू CN है, तो टोटल n के फॉर्म में आप आंसर क्या बोलोगे। और जिनको बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है वो और का आंसर भी सोचना चालू कर दो, कितने और गेट लगेंगे। दो दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट अप कर दिए हैं, जो एंड वाला आंसर हमने 10 अभी डिस्कस किया है उसको n के फॉर्म में बोलो, और इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को देख के बताओ कि कितने और गेट लगेंगे, माने प्लस वाला आपको देखना है बस, नंबर ऑफ इनपुट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी इनपुट का और गेट यूज कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन है आपके सामने, ओके गुड, n इंटू एन प्लस 1/2, वेरी गुड। अगर आप इस इक्वेशन को चेक करते हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो अगर आप 4 के लिए देखोगे, 4 के लिए कितने लगे 10, तो 4 अगर n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 × 5 = 20, 20/2 = 10। अगर आप 3 तक चेक करो, C1, C2, C3, 3 तक कितने लगे थे 1, और C2 में लगे थे 2, 3 और C3 में लगे थे फिर 3, तो 6, तो 3 तक देखो 6 लग रहे हैं क्या, तो n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हो तो 3 × 4 = 12, 12/2 = 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर है n × n+1/2, गुड। अब आप बताओ और गेट के लिए कितने लगेंगे, और गेट कितने और गेट लगेंगे हमको, C1, C2, C3, C4 कितने और गेट लगने चाहिए, कोई भी और गेट का आंसर,
C1, C2, C3, C4 चारों के चारों इक्वेशन को देखो और गेट का आंसर क्या होगा? आंसर रॉन्ग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ध्यान रखो. गुड, 4, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. ध्यान से देखो अब 4 क्यों लगेंगे. जैसा मैंने आपको बोला नंबर ऑफ इनपुट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो यहां पर आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में पी नॉट इंटू सी नॉट, मतलब एंड ऑपरेशन कर लिया आपने, उसके बाद कितने और लगेंगे? तो पी नॉट सी नॉट है, प्लस करना है जी नॉट. तो पी नॉट सी नॉट एक इनपुट हो गया और जी नॉट एक इनपुट हो गया, तो दो इनपुट वाला एक और गेट यूज कर लो. इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये आपका एक इनपुट हो गया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीन इनपुट वाला एक और गेट यूज कर लो. और गेट का काम क्या होता है? सिंपल, ऐड करना. इक्वेशन नंबर 3 में देखो, 1, 2, 3, 4, तो चार इनपुट वाला एक और गेट यूज कर लो. इक्वेशन नंबर 4 में देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इनपुट वाला और गेट यूज कर लो. मतलब आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेने के बाद कितने और लगेंगे? ओनली 4 लगेंगे, हर एक इक्वेशन के लिए सिर्फ एक. ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ और गेट्स की अगर बात करें तो वो होगा n. ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छे से देख लो यहां तक. नंबर ऑफ और गेट n और नंबर ऑफ एंड गेट n इंटू एन प्लस 1/2. ओके, किसी को कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक में? या आपका फिनिश होता है यहां पर लुक अहेड कैरी एडर. तो इसी के साथ हमारा एडर टॉपिक फिनिश होता है. आपको याद होगा हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट किया था लास्ट क्लासेस में. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है? एक तो हम लोगों ने कंपैरेटर स्टडी कर लिया है, ठीक है, और एक हमने स्टडी कर लिया है पूरा का पूरा एडर, हाफ एडर, फुल एडर, देन उसका यूज करके हम लोगों ने स्टडी कर लिया है पैरेलल एडर एंड लुक अहेड कैरी एडर. नाउ जो नेक्स्ट सर्किट अब हमें स्टडी करना है वो है आपका सब्ट्रैक्टर. ठीक है, सब्ट्रैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मान लीजिए जितना एडर था. उसका रीजन शायद आपको पता भी हो. जैसे कि सपोज करो अगर आपको 3 - 5 करना है तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं? 3 + - 5. ठीक है, तो यहां पर भी हम एडिशन ही परफॉर्म कर लेते हैं 3 और -5 का. तो एक्चुअल में 5 से -5 बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप पढ़ोगे जब आप स्टडी करोगे नंबर सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्स, 1s कॉम्प्लीमेंट्स एंड 2s कॉम्प्लीमेंट्स. तो वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक होगा, उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे. लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एडर जितना हमने बड़ा पढ़ा उतना आपको सब्ट्रैक्टर नहीं पढ़ना. सब्ट्रैक्टर के लिए आपको 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी. तो अभी बेसिकली हम एनालिसिस करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर का और फुल सब्ट्रैक्टर का. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो हाफ सब्ट्रैक्टर. हाफ सब्ट्रैक्टर, तो हाफ सब्ट्रैक्टर में हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं ए और बी, जैसा हाफ एडर में भी था, और दो आउटपुट होते हैं डिफरेंस एंड बोरो. हाफ एडर में हमारे आउटपुट क्या क्या थे? सम एंड कैरी. और हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या क्या है आपका? डिफरेंस एंड बोरो. तो कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा? डिफरेंस का बता दो. डिफरेंस का आंसर क्या क्या आएगा? What will be the answer for difference? जीरो, 1, 1, 0. ओके, तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं एक बार. जीरो में से जीरो गया, कितना बचेगा? 0, 0. नाउ जीरो में से 1 गया, कितना बचना चाहिए बताओ? सम और बोरो दोनों. जीरो में से 1 जाएगा तो, जीरो में से 1 गया, कितना बचेगा? सम और बोरो, डिफरेंस एंड बोरो, 1, 1. वेरी गुड.
1 में से 0 गया कितना बचेगा ये क्लियर होगा 1 0 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0 0। अब यहां पर होता क्या है बेसिकली देखो बहुत लोगों को आंसर ये रटा होता है याद होता है बहुत लोगों को कंसेप्ट भी पता होता है तो यहां पर ये जो 0 में से 0 गया उसमें कोई डाउट नहीं होता है 1 में से 0 गया उसमें भी कोई डाउट नहीं है 1 में से 1 गया 0 ही होना है कोई बोरो नहीं होगी। डाउट कहां पर आता है 0 में से 1 गया वो 1 1 क्यों हुआ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बार 0 में से 1 1 1 क्यों होता है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जितने बिट का इनपुट होगा उतने बिट का हमारा सम या डिफरेंस आउटपुट होता है तो यहां पर जो डिफरेंस आउटपुट होगा वो भी 1 बिट का होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे 0 में से क्या 1 माइनस हो सकता है नहीं हो सकता ठीक है। जैसा अगर मैं आपको सिंपल सा की बात बोलूं 67 में से अगर आपको माइनस करना है 49 तो क्या 7 में से 9 माइनस हो सकता है नहीं हो सकता तो आपको क्या करना पड़ता है 1 आपको लेना पड़ता है बोरो तो जो आप 1 बोरो लेते हो वो क्या बना देती है इसको 17 7 के सामने क्या लग जाता है 1 तो वो क्या बन जाता है 17 ठीक है। वैसे इस बात को समझना जब 0 में से 1 माइनस करना है तो वो हो नहीं सकता तो उसके बगल में जो भी नंबर होगा उससे वो क्या करेगा 1 बोरो लेगा तो जो 1 बोरो लेगा तो जैसे 1 वहां पर 7 के सामने लगता था वैसे यहां पर 1 0 के सामने लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 1 0। अब डिजिटल में 1 0 क्या होता है जैसा मैं पहली क्लास से बोल रहा हूं आपको गिनती आनी चाहिए डिजिटल में होता है 1 0 2 तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 1। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आया 0 में से 1 माइनस करने पर 1 आया और आपने 1 क्या ली थी बोरो ली थी तो बोरो भी 1 और डिफरेंस भी 1। क्लियर है सबको अच्छे से तो ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए कि हमने लिखा कैसे है। अब अगर इक्वेशन की हम लोग बात करें तो जो आपका डिफरेंस इक्वेशन है अगर आपने पिछली क्लासेस थोड़ी भी ठीक से स्टडी की है तो डायरेक्ट दिख रहा होगा 0 1 1 0 कौन सा ऑपरेशन होता है एक्सोर ए एक्सोर बी। और अगर आप बोरो की बात करते हो यहां पर बोरो को भी आप चेक कर लो एसओपी फॉर्म में अगर डायरेक्ट आप लिखो सिर्फ एक ही जगह 1 है किसके रेस्पेक्ट में है 0 1 तो कितना हो जाएगा आपका ये ए बार बी ठीक है। तो डिफरेंस का इक्वेशन क्या आ गया ए एक्सोर बी बोरो का इक्वेशन आ गया ए बार बी। तो अगर आप हाफ एडर को याद करोगे ना हाफ एडर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था सम कितना आया था ए एक्सोर बी और कैरी कितना आया था ए बी। तो अगर आप याद करोगे हाफ एडर को तो हाफ एडर का जो सम आउटपुट था और जो हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस आउटपुट है वो दोनों क्या है आपके सेम है। तो एक मैं आपको न्यू थिंग बताने जा रहा हूं थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया उसके लिए जब आप किसी भी एडर का हाफ एडर का सम आउटपुट ही कंसीडर करते हो कैरी आउटपुट नहीं लेते हाफ एडर की बात कर रहा हूं तो उसे हम कहते हैं क्वार्टर हाफ का और हाफ क्या होगा क्वार्टर क्वार्टर एडर। और जब आप हाफ सब्ट्रैक्टर में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कंसीडर करते हो बोरो कंसीडर नहीं करते हो तो उसे हम कहते हैं क्वार्टर सब्ट्रैक्टर। तो आप देख सकते हो क्वार्टर सब्ट्रैक्टर और क्वार्टर एडर दोनों के आउटपुट्स जो है वो बिल्कुल सेम है आप चेक कर लो क्वार्टर एडर मतलब हाफ एडर का सम आउटपुट क्वार्टर सब्ट्रैक्टर मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस आउटपुट दोनों ही कितने हैं आपके ए एक्सोर बी और दोनों के दोनों आपके क्या है सेम है। क्लियर है अच्छे से यहां तक। नाउ अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी जब हमने हाफ एडर स्टडी किया था तो हाफ एडर को हमने रियलाइज किया था 2 इनपुट नैंड गेट से यहां पर भी हम सेम वर्क परफॉर्म करेंगे हम हाफ सब्ट्रैक्टर को रियलाइज करेंगे 2 इनपुट नैंड गेट से और चेक करेंगे कि कितने नैंड गेट लगेंगे। तो यहां पर जो आपका हाफ एडर या फुल एडर हम लोगों ने 2 इनपुट नैंड गेट से रियलाइज किया मैंने वहां पर एक पॉइंट आपको हमेशा बोला था कि जब भी आप एडर या सब्ट्रैक्टर नैंड गेट से 2 इनपुट नैंड गेट से रियलाइज करो तो हमेशा आपका जो पूरा फोकस है ना वो सिर्फ सम या डिफरेंस आउटपुट पर होना चाहिए कैरी या बोरो के बारे में आप सोचो ही मत।
कैरी या बोरो जो है वो बीच के किसी टर्म से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो हाफ एडर और फुल एडर में हमने यही काम किया था, हमने सिर्फ सम आउटपुट पर ध्यान दिया था, कैरी जो था वो बीच के किसी टर्म से निकल आई थी। तो यहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वाले पे आप ध्यान दो तो डिफरेंस वाला जो आउटपुट है वो क्या है आपका ए एक्सॉर बी। तो लास्ट क्लास में ए एक्सॉर बी हम लोगों ने बहुत बार बनाया था यूजिंग नैंड गेट। कैसा बनता है ये आपका आप चेक कर सकते हो, और मैंने आपको बोला भी था कि ये फिगर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। तो अगर आपको याद हो ये फिगर जो हम लोगों ने एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया था टू इनपुट नैंड गेट से, तो ये ही आपका फिगर था। तो आप देख सकते हो कि आपका डिफरेंस डिफरेंस जो है वो हम लोगों ने लिख लिया, अब आपका टारगेट क्या लिखने का है, आपका टारगेट यहां पर लिखने का है बोरो। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि बोरो या कैरी जो है वो बीच के किसी टर्म से ऑटोमेटिकली निकल आएगी, तो अगर आप यहां पर सर्च करोगे तो यहां पर आपकी बोरो कितनी है ए बार बी, तो ए बार बी कौन से टर्म से आपको मिल सकती है यह आपको थिंक करना पड़ेगा, कौन से टर्म से आपको ए बार बी मिल सकता है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मिलता जुलता टर्म ढूंढना है, और अगर आप इंटरमीडिएट टर्म की बात करते हो तो इंटरमीडिएट जो आपके टर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर तीन है, एक है आपका ए बी का होल बार, एक है ए इंटू ए बी के बार का बार, एक है बी इंटू ए बी के बार का बार। तो टोटल आपके तीन इंटरमीडिएट टर्म हैं। अब आप मुझे बताओ कौन से टर्म से आपको मिल सकता है यहां पर बोरो। तो ये देख ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ए बी के बार से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ए बार बी चाहिए, मतलब एक का बार चाहिए एक का बार नहीं चाहिए, ए बी का बार तो दोनों पे सिमेट्रिकल है, मतलब या तो ए और बी दोनों का बार होगा या तो नहीं होगा। तो चांसेस जो है वो यहीं से है, या तो इस टर्म से मिलेगा या तो इस टर्म से मिलेगा। तो हम दोनों टर्म को वन बाई वन सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस टर्म से हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं नीचे वाले टर्म को सॉल्व करूं तो आप देखो ये डी मॉर्गन लगेगा तो ये ओपन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी बार प्लस ए बी। डी मॉर्गन थ्योरम सबको याद है, जब होल बार हो तो इंडिविजुअल बार करो और बीच पे डॉट को क्या कर दो प्लस, तो बी का बार डॉट किस पे कन्वर्ट हो गया प्लस पे, ए बी का बार कितना हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब अगर आपको याद हो ट्रांसपोजिशन थ्योरम, तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर 1 प्लस 2 का फॉर्म हो, 1 प्लस 2 का फॉर्म हो तो हम क्या लिखते हैं 1 प्लस सेकेंड इंटू 1 प्लस थर्ड, तो b बार प्लस b कितना होगा 1, तो आंसर क्या होगा a प्लस b बार। तो नीचे के टर्म को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है a प्लस b बार, और ये अब आपसे होना चाहिए, ठीक है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं मिनिमाइजेशन वाले, तो a प्लस b बार आ रहा है। तो क्या a प्लस b बार से कोई चांस है कि हमें a बार b मिल जाए, हमें यह सोचना होगा। अगर आप ध्यान से थिंक करोगे ना तो देखो a बार b के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन में मिलना चाहिए था, तो आप सोचो एक बार कि प्लस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो आप, अगर यहां पर मैं इसके आगे एक नैंड गेट लगा देता और उसके दोनों इनपुट सेम देता, मतलब बेसिकली नॉट गेट लगा देता, तो आप देखो ए प्लस बी बार का जब आप नॉट करते इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है ए प्लस बी बार आ रहा है, जब आप ए प्लस बी बार का नॉट करोगे तो क्या होगा ए बार ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी बार का बार, मतलब ए बार बी, देख लो सेम आंसर आ रहा है। तो बेसिकली सेकंड से ही मिलेगा, वेरी गुड। सेकंड वाले में जब आप एक नॉट गेट लगा दोगे, बेसिकली यहां पर आपको नैंड गेट से रियलाइज करना था, तो नॉट गेट को आप नैंड गेट से रियलाइज कर दो,
तो जब आप बेसिकली एक NAND गेट लगा दोगे जिसके दोनों इनपुट सेम होंगे तो आप देख लो आंसर आ जाएगा A बार B, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल आपको फाइव टू इनपुट NAND गेट लगेंगे, ठीक है, टू रियलाइज हाफ सब्ट्रैक्टर। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी चीजें हो आपको कराते चलूं, सारे डेरिवेशन, सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ठीक है। बस आपको सारी चीजों को स्टडी करके रखना है जो भी मैं आपको करा रहा हूं। लास्ट क्लास का सारा अप टू डेट होना चाहिए आपके पास। क्लियर है सबको अच्छे से? तो फाइव टू इनपुट NAND गेट लगेंगे आपको टू परफॉर्म दिस हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है, ओके। आज आपकी छोटी क्लास ही होगी, ठीक है, आज बस इतनी होगी आपकी क्लास। और जो स्टार्टिंग में आई थिंक एक स्टूडेंट दीक्षा ने जो डाउट पूछा था वो डाउट अपना रिपीट कर लो, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। आपका जो भी डाउट था स्टार्टिंग में वो मुझे रिपीट कर दो, या अगर क्लियर हो गया है आज की क्लास के थ्रू वो डाउट तो फिर बता दो। ए बी इसमें क्या डाउट है? ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे आया था ये डाउट है आपको? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैरी का इक्वेशन कैसे आया था ये डाउट है क्या? अगर यही डाउट है तो यस लिख दो एक बार कमेंट में। ओके, हाउ दिस राइट इन एक्सोर? ओके, हमने इसको एक्सोर में कैसे लिखा था? तो एक्सोर में हमने एबी प्लस बीसी प्लस सीए को नहीं लिखा था, एक्सोर में हमने इस वाले को लिखा था, बेसिकली हमने किया क्या था, हमने इस वाले इक्वेशन को पहले दो बार एबीसी एबीसी रिपीट करके एबी प्लस बीसी प्लस सीए लिखा था और फिर से इसी इक्वेशन का ही यूज करके हम लोगों ने इसे एक्सोर में भी लिखा था। देखो यहां पर अगर आप एबी कॉमन लो फर्स्ट और फोर्थ से, फर्स्ट और फोर्थ से अगर आप एबी कॉमन लेते हो तो सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा? वन, तो कितना बचेगा एबी। सेकेंड और थर्ड से अगर आप सी कॉमन लेते हो तो ए बार बी प्लस ए बी का बार कितना बचेगा? ए एक्सोर बी। बस और कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, फर्स्ट और फोर्थ से हम लोगों ने ए बी कॉमन लिया था और सेकेंड और थर्ड से आपने कॉमन लिया था सी, तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से नहीं लिखा था, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर करेंगे, तो हाफ सब्ट्रैक्टर आप लोग सब पढ़ के रखना, ठीक है, भूलना नहीं है क्योंकि हाफ सब्ट्रैक्टर का ही यूज होगा। थैंक यू, गुड नाइट।